हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं भंडारे वाले काले चने, जो अभी कुछ दिन पहले हमने गणपति जी के भंडारे के लिए बनाए थे और प्रसाद में चढ़ाए थे। तो देखिए इसके एक एक चने में किस तरीके से मसाला लिपटा हुआ है। तो चलिए ये लिपटे हुए मसाले वाले काले चने हम बनाते हैं। तो इसके लिए ना मैंने 4 किलो चने रात में ही अच्छी तरीके से धो के गला दिए थे। ये चने ना अच्छी तरीके से गलेंगे तभी ये एकदम टेस्टी बनेंगे। तो अब ना हम चाहें तो ये पूरा का पूरा जो गंजा है ना उसे उठा के गैस के ऊपर रख के चनों को बॉईल कर सकते हैं थोड़ा सा नमक डाल के। पर उसके लिए क्या होगा ना, आपको बार बार ये चनों को बीच बीच में आके चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए ईजी मेथड ये है कि कुकर में चनों को हम चनों के पानी के साथ डाल दें और साथ ही में थोड़ा सा नमक डाल दें और कुकर बंद करके 4 से 5 सीटी लेके ये चनों को हम बॉईल कर लें। इसी तरीके से ना मेरे पास दूसरा छोटा कुकर था, इसमें भी मैंने थोड़े चने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं नमक डाल के। अभी 4 से 5 सीटी के बाद देखिए हमारे जो चने हैं ना वो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो अब ना इन्हें हम एक गंजे में निकाल लेंगे। अब क्वांटिटी में तो ये चने ज़्यादा हैं तो हमें गंजे भी चाहिए रहेंगे बड़े बड़े। तो देखिए अभी ना हम बाकी के चने भी छन्नी में इस तरीके से निकाल लेंगे और गंजे में से पलटा देंगे। इस तरीके से हमारे चने बॉईल हो जाने चाहिए तो ये चने बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी ये जो हमने बॉईल किया है ना फर्स्ट लॉट में चने, उसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम यूज़ करेंगे बाकी के लॉट्स के चनों को बॉईल करने के लिए। इससे क्या होगा ना, जो पानी है वो तो एकदम गर्म है और उसमें नमक भी मिला हुआ है, तो जो हमारे चने हैं ना वो जल्दी बॉईल होंगे। तो देखिए अभी ना मैंने वापस से चने ले लिए हैं और उबले हुए फर्स्ट लॉट के पानी में चनों को डाल दिया है और अब ना हम इसे वापस से ढक्कन लगाएंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब ना हमें इनमें वापस से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ना तो ही थोड़ा नमक डालिए। बस अब इसे गैस पे रख देंगे और चनों को बॉईल करेंगे। अब ना हम तैयार करेंगे चनों में डलने वाला मसाला, जिसके लिए मैंने 1 पाव हरी मिर्च ली है और 1 पाव मैंने लिया है अदरक। इसे अच्छी तरीके से छील लिया है और अब धो के हम इसे पीस लेंगे। इसमें से मैंने थोड़ी सी मिर्ची निकाल ली है जो हम बाद में चनों में डालेंगे। तो देखिए अब हम इसे ना एक मिक्सर के जार में डालेंगे और एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। अगर आपने ना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले। और अगर आज के ना भंडारे वाले चने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए इस तरीके से ना हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। अब हम एक बड़े से तपेले या तो गंजे में ले लेंगे तेल। तेल हमें करीब करीब 1 लीटर तो लग ही जाएगा। तो देखिए अभी जब तेल एकदम गर्म हो जाए ना तो हम इसमें 6 से 7 डाल लेंगे तेज पत्ता, और जब तेज पत्ता थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। और ज़ीरा ना जब अच्छी तरीके से चटक जाएगा तो इसमें डालेंगे हम मिर्ची और अदरक का पेस्ट। अब ये जो पेस्ट है ना इसे हमें अच्छी तरीके से चला के भून लेना है और ये ध्यान रखना है कि ये नीचे तले में लगे ना। तो देखिए इस तरीके से ना हम अच्छे से इसको चला के भूनेंगे। और अब जब तक ये पेस्ट भुनेगा तब तक हम थोड़े से चने लेंगे मिक्सर के जार में और इसे भी हम पीस लेंगे। क्वांटिटी में ये चने करीब करीब 250 ग्राम है, मतलब कि 1 पाव उबले हुए हमने चने इसमें लिए हैं पीसने के लिए। अब इसका भी ना हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इस तरीके का पेस्ट रहेगा उबले हुए चनों का। अब हम अपना जो मसाला है ना मिर्ची और अदरक का वो भी देख लेंगे, अच्छी तरीके से उसे भी भून लेंगे। और इसका जब कलर चेंज हो जाए, मतलब कि इस तरीके से मिर्ची अदरक भुन जाए, तो हम इसमें डालेंगे अब ड्राई मसाले। तो सबसे पहले ना मैंने इसमें डाली है 1/4 चम्मच हींग, साथ ही डाला है मैंने
अमचूर पाउडर आधा चम्मच और डाला है एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक चम्मच डाली है मैंने तीखी लाल मिर्च, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच चना मसाला, दो चम्मच इसमें डाला है मैंने चाट मसाला। अब डालेंगे आधा चम्मच करीब गरम मसाला और जो सारे ड्राई मसाले हैं ना उन्हें भी हम अच्छी तरीके से तेल में भून लेंगे। ध्यान रखिए जब हम ड्राई मसाला डालें ना तो गैस की जो फ्लेम है वो या तो मध्य होनी चाहिए या तो बंद होनी चाहिए, क्योंकि तेल जो है हमारा पहले से ही बहुत गर्म है, मसाले जल भी सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए हमारे चने और चनों को ना अच्छी तरीके से हम चला चला के थोड़ा भूनेंगे। अभी जब हम कालो चनों में ना इस तरीके से चने पीस के डालते हैं ना तो हर एक चने में मसाला अच्छी तरीके से चिपक जाता है और बहुत ही यमी दिखते हैं ये काले चने और टेस्ट में भी एकदम लाजवाब होते हैं। अब हमने क्या किया है, जो हमने मसाला बनाया था ना वो हम ये बॉईल किए हुए चनों में पूरा पलटा देंगे। अब ये जो सारे चने हैं ना इनको मसालों में अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसमें मेहनत ज़रूर लगेगी पर इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसका मसाला मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक और साथ ही में डालेंगे काला नमक और अब ना इसे वापस से हमें मिक्स कर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि एक बार सारे मसाले डाल के इसे मिक्स नहीं कर सकते क्या, मेहनत एक ही बार होगी, पर नहीं, हम इसे अगर एक एक मसाला डालें और इसे साथ साथ में मिक्स करते जाए ना तो चने बहुत ही टेस्टी बनेंगे और सारे मसाले एक एक चने में जाता जाएगा। तो हमने ना अब इसमें डाल ली है धनिया और फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। अब जब ये चने अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे ना तो हम इसमें तड़का लगाने के लिए एक पैन में लेंगे घी और जो हमने थोड़ी सी मिर्च बचा के रखी थी ना वो हम इस तरीके से कट करेंगे और घी में अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। जो घी का तड़का हम चनों में लगाने के लिए बना रहे हैं ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है जब चनों में जाता है। जब सारे मसाले चनों में अच्छी तरीके से मिल जाए ना तो ये घी का तड़का चनों में ज़रूर लगाइएगा और मिर्च को ना थोड़ा अधकचरी ही रखना तो बहुत ही अच्छी दिखेगी भी और टेस्ट में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए इस तरीके से ना हम चनों में लगा देंगे अपनी घी और मिर्च का तड़का और बस हमारे जो आज के भंडारे वाले चने हैं ना वो एकदम तैयार हो गए हैं। इसे गार्निश करेंगे हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया से। तो हमारा आज का ना भंडारे का चने मसाला प्रसाद तो एकदम हो गया है तैयार। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना।